हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुके 5। मैथ समझनी है तो वीडियो को पूरा देखना होगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का प्रश्न है, सॉल्व क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12x³ - 28x² - 3x + 7। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व कर पाए, लेकिन ये क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा। तो इसके लिए आपको ये मैथ शुरू से अंत तक अवश्य देखनी होगी, तभी आप समझ पाएंगे कि इस प्रकार का मैथ हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का ये क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन बहुत टफ नहीं है। 12x³ - 28x² - 3x + 7 = 0। अब देखिए, यहाँ चार टर्म है, चार में हम दो दो टर्म को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका दिस टेंस टू, इसमें आपका 4x² हमने कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 3x - 7, और इसमें मैंने 1 कॉमन ले लिया -1, तो ये हो गया 3x - 7 = 0। दिस टेंस टू 4x² - 1 * 3x - 7 = 0। दिस टेंस टू 4x² - 1 = 0, और ये सेकेंड पार्ट हो गया आपका 3x - 7 = 0। दिस टेंस टू, अब ये हो गया 2x² - 1 / 0। इतना समझ गए। और इधर हो गया 3x = 7। दिस टेंस टू, अब हम इसे a² - b² के फॉर्म में तोड़ देंगे। a² - b² होता है a + b * a - b होता है। तो ये भी हो गया 2x + 1 * 2x - 1 = 0, और ये हो गया आपका x = 7/3। अब इसमें दो पार्ट हो गया आपका, 2x + 1 = 0 और 2x - 1 = 0। दिस टेंस टू x - 1/2, और इधर हो जाएगा x = 1/2। अभी यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अगर कहीं आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो निश्चित तौर पर कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या कोई ऐसा मैथ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा या परेशानी हो रही है, तो आप कमेंट में लिख कर भेजिए, मैं सॉल्व करके आपको दूंगा। हेंस वैल्यू ऑफ एक्स विल बी एक्स बराबर
माइनस वन बाई टू और वन बाई टू और थ्री सेवन बाई थ्री। इस प्रकार से हमारा x का मान निकल गया है। ये हमारा हो गया आंसर। तो आज के वीडियो में यहीं पर, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। थैंक यू।